गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेर में। संप्रेषण आपको पढ़ाया गया है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, पीडीएफ भी आपको थ्योरी में दिया गया है। संप्रेषण कौशल के कितने प्रकार हैं और इसकी विशेषताएँ क्या हैं, संप्रेषण कैसा होना चाहिए एक शिक्षक स्टूडेंट के बीच में, विशेषताएँ उसका जो नेचर है, प्रकृति, सारी चीज़ें पीडीएफ आपको दिया गया है। इसका एमसीक्यू बच गया था, इसका एमसीक्यू यहाँ पर देख लेंगे। पिछले बार यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे कम्युनिकेशन से, संप्रेषण से, जिसमें आपका इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पर उन्हीं को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही कम समय में। कौशल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कौशल हैं, स्किल्स जो हैं आपके, महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते हैं व्यावसायिक सफलता में भी और या फिर एकेडमिक जो सफलता है। बिना कम्युनिकेशन स्किल के हम सफल नहीं हो पाएंगे, दोनों यहां पर जरूरी है। अंतः व्यक्तिक कौशल में विचार उत्पन्न होते हैं, अंतः व्यक्तिक कौशल में, दोनों में डिफरेंस जरूर देख लीजिएगा। अंतः व्यक्तिक कौशल में विचार उत्पन्न होते हैं अपने स्वयं के अंदर, स्वयं के मन में, और ऐसे ही सवाल यहाँ से पूछे गए थे। अंतः व्यक्तिक कौशल को किसने मस्तिष्क की आदत कहा है, मस्तिष्क की आदत किसने कहा है, आर्ट कोस्टा के द्वारा कहा गया है। अंतः व्यक्तिक कौशल में शामिल होते हैं, अंतः व्यक्तिक कौशल में शामिल होते हैं साथियों, इसमें कौशल, संचार, मनोयोग, यहाँ पर ए और बी दोनों होगा, मनोयोग नहीं होगा आपका, कौशल, संचार, ये दोनों होगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, अंतः व्यक्तिक कौशल में शामिल है, अंतः व्यक्तिक कौशल में शामिल है, अंतः व्यक्तिक कौशल में शामिल है साथियों। आत्मसम्मान, सीखने की क्षमता, खुशी मानसिकता, खुली मानसिकता, ये सभी यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक अंतर व्यक्तिक कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है, ध्यान देंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्रेष्ठता ग्रंथि, श्रेष्ठता ग्रंथि, इसको शामिल नहीं किया जाएगा। अंतः व्यक्तिक, अंतर व्यक्तिक है ये, कौशल की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा है, ये परिभाषा देख लीजिएगा, बाकी ये आपको समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति अपने कार्य को किस प्रकार प्रस्तुत करता है, यही परिभाषा है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता अंतर्वैयक्तिक कौशल में स्वीकार नहीं की जा सकती, चलिए आत्मश्लाघा यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। विजुअलाइजेशन कौशल है, विजुअलाइजेशन, जो विजुअलाइज आप करते हैं, ये कैसा कौशल है, कैसा स्किल है, तो ये आंतरिक है, आप आंतरिक रूप से विजुअलाइज करते हैं ना, आंतरिक कौशल द्वारा किया जाता है। आंतरिक कौशल द्वारा क्या किया जाता है, अभिनेता, नेता, मधुमक्खी, बालक, ये तो संबंधित नहीं है, नेता भी नहीं होगा, आंतरिक कौशल यहाँ पर अभिनेता होगा, जो पूरा कैरेक्टर को अपने अंदर ढाल लेता है, यहाँ पर ए होगा आपका। आंतरिक कौशल के लाभ हैं, आंतरिक कौशल के लाभ हैं साथियों, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, दूसरों के प्रति दया दिखाना, क्या है दया दिखाना, दूसरों के प्रति क्या है, गहन कौशल है ये। सकारात्मक निर्णय लेना के लिए आवश्यक कौशल है, व्यक्तिगत जीवन के लिए आवश्यक है, यहाँ पर होगा आपका बी करेक्ट आंसर। किसके माध्यम से इंट्रापर्सनल निर्णय लेने की कौशल को प्राप्त किया जा सकता है, तो ये अभ्यास के द्वारा इस स्किल को सीखा जा सकता है। गहन कौशल जरूरी होता है, गहन कौशल जरूरी होता है शिक्षकों के लिए साथियों, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। सामान्यतः पारस्परिक संचार होता है, किसके किसके बीच में होता है पारस्परिक संचार, और पारस्परिक संचार है तो ये स्वयं से भी हो सकता है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में भी हो सकता है, या फिर अंतर मन से, या फिर ए भी दोनों। पारस्परिक संचार होने के लिए आपको किसी और व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, तो दो या दो से अधिक यहाँ पर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। तो व्यक्तिगत बातचीत में कितने कितने तत्व सम्मिलित हैं, व्यक्तिगत, अब व्यक्तिगत बातचीत करेंगे तो कितने तत्व चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए दो तत्व जरूरी हैं यहाँ पर। लोगों के बीच विचारों, भावनाओं एवं सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कहलाती है पारस्परिक संचार की क्रिया। आगे देखेंगे अंतर्वैयक्तिक संचार के मेथकों का चुनाव करें, मेथकों का चुनाव करना है आपको, सभी समस्याओं का हल करता है हमेशा, अच्छी बात है, यह पारस्परिक संबंधों का पर्याय, ऑप्शन सी यहां पर होगा आपका बेहतर विकल्प। पारस्परिक संचार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पारस्परिक संचार में साथियों पारस्परिक कौशल, ऑप्शन ए होगा यहाँ। प्रभावी पारस्परिक कौशल सहायक है,
ये सहायक है आपका साक्षात्कार में, संप्रेषण, भाषा सभी में। अपने सहयोगियों तथा अधीनस्थों के मध्य संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प क्या है? सर्वोत्तम विकल्प क्या है साथियों, यहाँ पर होगा आपका स्पष्ट और ध्यानपूर्वक संवाद करना। ये ज़रूरी है यहाँ पर। निम्न में से किस क्षेत्र में पारस्परिक कौशल का प्रयोग किया जाता है? पारस्परिक कौशल का प्रयोग कहाँ होगा आपका? सभी जगह तो होगा। पारस्परिक कौशल महत्वपूर्ण होता है, पारस्परिक कौशल महत्वपूर्ण होता है साथियों। नौकरी, वार्तालाप सभी जगह ज़रूरी है। निम्न में से कौन से तथा पारस्परिक कौशल को अभी प्रेरित करता है? चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी। पारस्परिक कौशल की आवश्यकता होती है, कहाँ पर होती है पारस्परिक कौशल की? सभी जगह होती है। शिक्षण में पारस्परिक कौशल सहायक होता है, बिल्कुल सहायक होता है। छात्र को प्रेरित करने में, सिखाने में, दोनों हो जाएगा यहाँ पर। संचार, सक्रिय श्रवण, लचीलापन एवं उत्तरदायित्व आदि पारस्परिक कौशल सम्मिलित हैं आपके टीम वर्क में। एक प्रभावी नेता को किन पारस्परिक कौशलों में निपुण होना चाहिए? सभी में निपुण होना चाहिए। सक्रिय होकर सुनने का लक्षण है, सक्रिय होकर आप सुन रहे हैं तो ये लक्षण किसका हो सकता है? सवाल पूछने पर जवाब देना, बिल्कुल। अगर सक्रिय सुन रहे हैं तो आप जवाब भी दे पाएंगे। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करना, ये भी सही है सक्रिय होकर सुनने का लक्षण। जो वक्ता है उसके वार्तालाप के उद्देश्य को समझना, सभी हो जाएगा यहाँ पर। पारस्परिक कौशल के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य है? कथन सत्य है पारस्परिक संबंध, यहाँ पर सभी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, विवरण प्रबंधन एवं कौशल विपणन का महत्वपूर्ण भाग है आपका, याद रखिएगा। सॉफ्ट स्किल्स, विपणन अभियान, पारस्परिक संचार, ये सभी हो जाएंगे। ग्राहक सेवा में संचार कौशल आवश्यक है। धैर्य, सक्रिय रूप से सुनने के लिए, दोनों हो जाएगा यहाँ पर। पारस्परिक कौशल को बेहतर बनाने के उपाय, बेहतर बनाने के उपाय हैं यहाँ पर। ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना, कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। जो कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, क्यों की जाती हैं? सूचना के लिए, तो बिल्कुल। पारस्परिक कौशल का भी विकास होता है, विशेष विषय पर चर्चा भी होती है, परिचर्चा, सभी हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, दो कथन है। चक्रीय संचार संजाल में प्रत्येक सदस्य किसी भी सदस्य से मुक्त रूप से वार्तालाप करता है। मुक्त रूप से तो वार्तालाप यहाँ करने का अवसर नहीं मिलता, मुक्त नहीं आप कर सकते किसी भी सदस्य से। वृत्तीय संचार जाल क्षैतिज एवं विकेंद्रित संचार का एक रूप है, उपरोक्त में से सही है, बिल्कुल ये सही बात है। केवल दो होगा यहाँ पर। यदि एक व्यक्ति आपके आदेश को सुनने के पश्चात भी उसका ठीक से अनुपालन नहीं कर पाता तो इसका तात्पर्य क्या है? आपकी बात सुन लिया है फिर भी वो अनुपालन नहीं कर पा रहा है, उचित स्पष्ट नहीं है, संप्रेषण अप्रभावी, संदेश उचित प्रकार से संवाहित नहीं हो रहा है। आप जो संदेश दे रहे हैं वो सही ढंग से या उचित प्रकार से आप यहाँ पर संवाहित नहीं हो रहा है, जिसके कारण वो अनुपालन नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर बेहतर विकल्प। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश का प्रयोग एक नेता का वर्णन के लिए है? नेता के वर्णन के लिए कौन सा यहाँ पर होगा? निरंतर रणनीति पर निर्भर करता है, नहीं, यथा स्थिति को चुनौती देता है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। वह व्यक्ति जो विभिन्न स्थितियों में अपने व्यवहार को तदनुरूप ढालने के प्रति अत्यंत लचीला होता है, उसमें कौन सा विशेषता है? अब अपने आप को ढाल ले रहा है स्थिति के अनुसार तो क्या हो जाएगा? अपने आप पर कड़ी नज़र रखता है, तभी तो ऐसा कर पाएगा, ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर व्यक्तिक या पारस्परिक संचार का सिद्धांत नहीं है? करेक्ट आंसर सी होगा, इसके अंतर्गत प्रतीक आदान प्रदान शामिल नहीं होते हैं। प्रतीक यानी कि चिन्ह, साइन, सिंबल्स, संप्रेषण एवं अंतर्वैयक्तिक कौशल के व्यवधान में सम्मिलित हैं। क्या सम्मिलित है व्यवधान में? सूचना फिल्टर करना, ये तो व्यवधान नहीं है। क्षमता की से अधिक सूचना, रक्षात्मकता, उद्देश्य की सत्यनिष्ठा, तो व्यवधान में सम्मिलित है, व्यवधान में सम्मिलित हो जाएंगे आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये व्यवधान नहीं है, उद्देश्य की सत्यनिष्ठा। आगे देखेंगे, संचार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संचार के संबंध में, कम्युनिकेशन के संबंध में सत्य नहीं है,
संचार का सर्वाधिक विकास 21वीं शताब्दी में हुआ, ये पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता है। आगे देखेंगे अंतर्व्यक्तिक संचार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यही सवाल पूछा गया था आपका। तो अंतर्व्यक्तिक संचार के संदर्भ में यहाँ पर असत्य कौन सा है साथियों, अंतर्व्यक्तिक संचार केवल दो व्यक्तियों के भीतर घटित होता है, ये आपका असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं अंतर्व्यक्तिक संचार के संबंध में, तो इनको ध्यान से आप देख लीजिएगा। संचार की प्रारंभिक अवस्था में इसके विकास करने वाले तत्वों पर विचार कीजिए। कागज़ के आविष्कार के स्थायी लिखन की कला विकसित हुई और छपाई कला के आविष्कार से मुद्रित विषय को आम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। दोनों यहाँ पर जो हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर कथन जो है सही हैं। संचार एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच सूचना संप्रेषित होती है, इसका परिणाम किस रूप में मिलता है, इसका परिणाम मिलता है सहानुभूति के रूप में, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अंतर्व्यक्तिक संवाद कौशल को परिभाषित नहीं करता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच घटित होता है अंतर्व्यक्तिक संवाद, सही है। अंतर्व्यक्तिक संवाद कौशल की प्रक्रिया में संदेशों का प्रेषण मौखिक भी होता है, बिल्कुल सही बात है। इस प्रक्रिया में प्रेषक प्राप्तकर्ता को प्रेरित प्रोत्साहित भी करता है, सही बात है। इस प्रक्रिया में संदेश का माध्यम शंकाओं और प्रश्नों का समाधान नहीं हो सकता, ये गलत है आपका। आगे देखेंगे समूह संचार की विशेषताओं पर विचार कीजिए। जो समूह संचार होता है इसमें विशेषताएँ क्या क्या होती हैं, समूह के मध्य विचारों का आदान प्रदान बिल्कुल संभव है। जन संचार की भांति विक्रय श्रोताओं पर आधारित नहीं होती है, ये भी सही बात है। यहाँ पर चारों के चारों विकल्प जो हैं आपके सही हैं, चारों विकल्प सही हो जाएंगे यहाँ पर। संचार के औपचारिक तरीकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, औपचारिक अनौपचारिक ये टर्म्स आप लोग जानते हैं, तो औपचारिक तरीका के बारे में सही नहीं है, तो ये बिल्कुल औपचारिक है आपका, ये भी औपचारिक है। टीवी पर खेलों का सीधा प्रसारण, मैच का कवरेज, तो ये औपचारिक तरीका नहीं है। रीडरशिप सर्वे के माध्यम से मार्केटिंग का मूल्यांकन, ये भी औपचारिक है। तीसरा वाला औपचारिक नहीं है आपका। इस तरह से सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, अब सिर्फ टेस्ट और मैराथन आएंगे, इंग्लिश के दो चार वीडियोज आएंगे, बाकी कंप्लीट हो गया है। आप लोग रिविज़न कंटिन्यू करिए, मेहनत करते रहिए, बहुत कम समय बचा हुआ है। धन्यवाद, जोहार।